गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा आज वाराणसी में, बीजेपी मोदी जी का गढ़, वहां पर एक्यूजेशन यही है कि पार्टी, मगर पार्टी जैसे अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि पार्टी अपने आप फूट के मोदी जी के पास आ रहे हैं, तो अशोक चौहान जी एक दिग्गज नेता, बोलिए बोलिए सर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और एक तरह विपक्ष के नेताओं को फोड़ने का, उनको डरा के, धमका के, आपके जो भी ईडी है, सीबीआई है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करके उनको खुद की पार्टी में लेके आ रही है, ये क्यों हो रहा है? अगर इसके पीछे की राजनीति हम देखें और सच्चाई हम देखें, तो ये सच्चाई है कि भाजपा को अभी डर लग रहा है कि पिछले 10 सालों में इस देश को बेचने का काम हमने किया है, और इसीलिए जनता अभी नाराज है महंगाई से, बेरोजगारी से और भाजपा की गंदी राजनीति से। जनता अभी त्रस्त हो चुकी है, तो उनको उनकी विचारधारा के ऊपर, उनके उम्मीदवारों के ऊपर और उनके नेतृत्व के ऊपर भरोसा नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के भरोसेमंद नेताओं को डरा धमका के खुद की पार्टी में लेने का काम बीजेपी कर रही है।